सोम बाजार लेकर जाने वाले थैले में जो 2000 की गड्डियां, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता। छड़क अपराधियों में खामोशी है क्योंकि थाने का दरोगा दोषी है। ये नोट कहाँ से आए बता? बोलो आप। देखिए सर वो, अरे ये वो क्या कर रही है, बोल देना था माजी के हैं। क्या बकवास कर रही हैं आप, ये नोट मेरे हैं। अरे तेरी माँ कह रही है तेरे। अरे किसने कहा ये मेरी माँ है? माँ और सास हो एक ही बात है। ये एक बात नहीं है, ये दोनों दो अलग बात है। माँ माँ होती है, सास सास होती है। हाँ हाँ ठीक है, अब सबको पता चल गया कि वो सास है और सास ही रहेगी। अब आगे बढ़े। आगे बढ़ने को यहाँ अंताक्षरी चल रही है, हैं? एक तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऊपर से मुंह चला रहे हैं थाने में बैठ के। अरे क्या गैर कानूनी है इसमें, अभी 10 दिन पहले तो सब भाग भाग के ले रहे थे ये नोट। अरे माता जी 10 दिन पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और कहाँ से आए, कौन लाया, किसने दिए, कोई हिसाब किताब है इसका? ये गड्डियाँ ना मेरे पापा ने इन्हें दी है। सुन लो। अरे क्या सुन लो, गड्डियाँ तुम्हें दे दी तो पैसे तुम्हारे हुए ना। हाँ सही बात है भाई। क्या सही बात है, इन नोटों पे नाम लिखा है क्या मेरा? अरे तू नोट लेने से पहले लिखवा लेता है क्या तेरे नाम के नोट है? ज्यादा बोला तो टांग टांग रख के चीर दूंगा अभी। मार मार के भुज भर दूंगा, समझ में आ रही है? साढ़े ऐसे डंडे तोड़ूंगा ना पिछवाड़े पे हवालात में डाल के, सब समझ में आ जाएगी। अरे आपको भी अपनी पूंछ ऊपर रखने की क्या जरूरत पड़ी है दामाद जी? तो आपसे भी बिना बोले कहाँ रहा जाता है? लो गलती खुद करो और डांट मेरी मम्मी को रहे हो। सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि तुमसे शादी कर ली। अरे तो नहीं करनी थी ना, क्यों आ गए थे ढोल बाजा बजाते हुए हमारे दरवाजे पर? तो शादी में लोग ढोल बाजा बजाते हुए नहीं आएंगे तो एक दूसरे के गाल पे चांटे बजा के आएंगे क्या? तुम फिर फालतू बोल रहे हो, तुम ना कभी सुधरना मत। चुप कर जाओ, कलेश मचा रखा है थाने में, ना चिड़ियाघर है थाना जंडपुर आई हो। अब जब तक मैं ना कहूँ कोई कुछ ना बोलेगा, समझी मैडम? और ऐसा है केस लगता है पे मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला का, जिसमें सजा होगी लगभग 3 से 7 साल की, या फिर होगी सीधी 10 साल की। कुछ ले दे के बाद टल नहीं सकती क्या? हाँ दे दो रिश्वत ताकि ये कोर्ट में जाके बोल दे और मेरी 10 साल की सजा आजीवन कारावास की हो जाए। फिर जब जेल से वहाँ शमशान घाट ले जा रहे होंगे तो अंतिम यात्रा में शामिल हो जाना तुम मेरी। अरे कहाँ की बात, कहाँ लेकर चला गया ये आदमी, अभी रिश्वत दी तो नहीं है ना? अरे माता जी थाना जंडपुरा में रिश्वत चलती भी ना है। जनाब ये तीनों के तीनों तो चालबाज बैठे ना, मुझे गैंग लग रहा पूरा गैंग। एक बात बता, इस गैंग के पास ये जो थैला है इसमें कुल पैसा कितना है? 60 लाख है ना मम्मी? देख लो आप, जिसके पैसे हैं उसे पता है, अब इनसे करो पूछताछ और मुझे जाने दो, मुझे दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। ए, नीचे बैठ, काम क्या करता तू? मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर-थर कांपते हैं मुझसे। रे सरकारी मुलाजिम हो के तने बिल्कुल शर्म ना आई है, इतने सारे पैसों का हेर फेर कर रहा है तू, गाड़ी में हांड रहा इधर से उधर। इस आदमी के बाप ने हमसे शादी के समय दहेज मांगा था। झूठे ये। चुप। हाँ जी मैडम कंटिन्यू करो। अब उस समय इसके पापा की तो इतनी तनख्वाह थी नहीं जो दे पाते, अब आज सक्षम हुए हैं तो दे दिए, अब कल को ये हमारी बेटी को तंग करे तो कैसे बचाएंगे हम, बताओ? तू सरकारी अधिकारी, तू दहेज लेता है? एक ग्राम विकास अधिकारी कभी दहेज नहीं लेता। तो ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। बुढ़िया किसे बोल रहे हो, स्वीटी नाम है मेरी मम्मी का, बुलाना है तो नाम से बुलाओ वरना चुपचाप खड़े रहो। तो मैडम जी बात ऐसी है, आप अपनी आवाज में ना थोड़ी नरमी रखो, नरमी, वरना हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। इतनी देर हो गई सुनते सुनते, 2 नंबर का पैसा, 3 नंबर का पैसा, अरे अगर इतनी दिक्कत हो रही है इस पैसे से तो उठा के जेल में क्यों डाल देते? क्या नास्ता बोल रही हो, मैं क्यों जाऊंगा जेल? अरे तो कौन जाएगा जेल? जिसके नोट है वो जाएगा जेल। नोट तो तेरे हैं। अरे बिना पेपर के भर्ती हुआ है क्या तू? ठंड रख ले ठंड, वरना भी ठंडा कर दूंगा तने। क्या ठंड रखूं? हैं? ये पुलिस थाना है या गांव की चौपाल? तब से 12 बार बोल चुका हूँ कि मेरे ससुर ने जबरदस्ती ये थैला मेरी टाटा सुमो में रख दिया, ये बोल के कि थैले में गच्चक है। अरे जब से बेटी ब्याई है तब से तो गच्चक दी नहीं हमने, अब क्यों देंगे हम गच्चक? अरे चुप करो, गच्चक मट्ठी लड्डू बर्फी प्यारे ये सब गए तेल लगाने, अरे जब से बड़ 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 बड़। अरे यार तू वकील एक काम कर, इसे हवालात में डाल, डाल जाए अंदर। अरे लेकिन अभी कुछ अंदर। अरे कहाँ लेके जा रहे, ध्यान से, ज्यादा मत मारना। इट्स बेटर सर। हाँ इन्हें बंद कर दिया क्या? आपने भी जाना है कि? नहीं 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 ये छूट तो जाएंगे ना। अरे मैडम जी पहले ठीक से पकड़ तो लेने दो, आप तो पहले ही छुट्टन छुटाने की बात करने लग रही हो। मैंने सुना है कि दहेज के केस में लंबाई जाता है आदमी। हाँ रेडियो स्टेशन है यो, थाना झंडपुरा थोड़ी है। ऐसे एक बात बोलूं मैडम जी, बुरा मत मानना, ये जो आदमी हवालात में गया है ना, जिसने बोला ठीक था, माँ माँ होती और सास सास ही होती है, जब ये हवालात में जा रहा था ना, एक सेकंड ना ही माथे पे। ऐसा है ये आदमी थोड़ा घमंडी है इसीलिए थोड़ा लगाव कम है, वरना दिल की तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिख रहा। अरे मम्मी अब आप कहाँ जल्दी? बाहर जा रही हूँ, ऑटो रोक रही हूँ मैं, तू भी जल्दी आ जा, ये 2-4 हफ्ते से पहले नहीं आने वाला। और आप इंस्पेक्टर साहब आपके पास ही है अब 2-4 हफ्ते, झेलना इसे, फिर पता चल जाएगा मेरे माथे पे शिकन क्यों नहीं आई।
अंदर गर्मी है क्या बहुत? नहीं नहीं अंदर तो बहुत ठंडी है, कश्मीर हुआ पड़ा है, बर्फ पड़ रही है यहाँ। बोल देना अपनी माँ से दो कंबल भिजवा दे, और अपने बाप को बोल देना जेल से बाहर निकल के तब तक मैं घर का पानी नहीं पीऊंगा जब तक उसकी दोनों टांगे ना चीर दूं। गलती हो गई मुझसे जो तुम्हारा हाल पूछने आ गई, और उससे भी बड़ी गलती हुई है मेरे पप्पा से जो तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए। ऐसा है जो तुम्हारे साथ हुआ है ना वो बिल्कुल सही हुआ है, सड़ो यहाँ गर्मी में। अरे सड़े मेरे दुश्मन, ये सब तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। ए बैठा क्या हवलदार, चल मटके में पानी भर जल्दी। चिल्लाएगा तू है ये सड़ा बावड़ी तरेड़ ऐसे ना मानेगा, एक काम कर डंडे में तेल लगा। वकील जनाब ऐसा लग रहा जैसे हमने कोई पागल गुरिल्ला पकड़ लिया हो। अरे पागल गुरिल्ला ना है, सरकारी अधिकारी है तभी मरोड़ उठ रही है। आ मरोड़ निकाले इसके, चलिए जरा। चल आ रहे हम ही आ रहे तेरे पास। आजा 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 आजा, मैं यही हूँ, आजा हाँ आजा। हाँ हाँ क्या?